हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा के अंतर्गत। आज हम बातचीत करेंगे धातु रूप और शब्द रूप पर, जिसको लेकर कई प्रतियोगी छात्रों का आग्रह था कि इस पर एक वीडियो लेक्चर जरूरी है, ताकि जो संस्कृत साहित्य का पोर्शन लगा हुआ है उससे अगर प्रश्न पूछा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का उत्तर सही हो। खासतौर से जब हम संस्कृत साहित्य पढ़ते हैं तो साहित्य के अंतर्गत रचनाओं को तो याद कर लेते हैं, लेकिन जो शब्द रूप है या धातु रूप है इसको भी याद करना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर समझने की ज़रूरत होती है। अगर आप पाठ्यक्रम को देखेंगे, चाहे वह यूपी टीजीटी का हो चाहे पीजीटी का हो, पाठ्यक्रम में कहीं भी विशेष रूप से धातु रूप या शब्द रूप के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है। बल्कि जीआईसी का जो सिलेबस है उसमें धातु रूप और शब्द रूपों को बताया गया है कि किससे सवाल पूछा जाएगा। जैसे कि धातु रूप में है स्था, पा, गम, पठ, हंस धातु, जबकि शब्द रूप में पढ़ना है आत्मन, नामन, जगत, सरित, हरि, सर्व, अस्मद, युष्मद, इन रूपों को पढ़ना है। लेकिन यूपी टीजीटी पीजीटी में ऐसा कोई जिक्र नहीं है। अच्छा, परस्मै पदी पदी धातु रूप में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो जब हम धातु की बात करते हैं तो मुख्य रूप से जो चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत है, पहली बात तो ये है कि आपको वचन ध्यान में होना चाहिए। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इसके पहले जो काल है इसके बारे में भी पता होना चाहिए कि लट लकार को क्या कहा जाता है, या फिर लिट लकार को क्या कहा जाता है, या फिर जो लोट लकार है इसको क्या कहा जाता है। तो ये भी क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्लियर नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत होने लगेगी। जिसे लट लकार को कहा जाएगा वर्तमान काल, ठीक, वर्तमान। इसी तरीके से जो लिट लकार है इसको कहा जाएगा भविष्यत काल, ठीक। इसी तरीके से जो लोट लकार है इसको कहा जाएगा आज्ञावाचक। इसी तरीके से अगर हम नीचे के कालों के बारे में बात करें, जैसे लंग लकार, इसको कहा जाएगा भूतकाल, ठीक है। तो और विधिलिंग, जो कि चाहिए के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो ये मुख्य रूप से पांच कालों के बारे में चर्चा की जाती है, जिसको कि लकार कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर लकार है, कई बार इसको शॉर्ट में लोग बोलते हैं लट, लिट, लोट और लंग, ठीक है। तो ये क्लियर होना चाहिए कि किस लकार को कौन सा काल समझा जाता है। फिर वचन के बारे में मैंने चर्चा की कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये फिर ये क्लियर होना चाहिए। पुरुष, जिसमें तीन तरीके के पुरुषों की बात की गई है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक। तो जब पहले संस्कृत कोई पढ़ता था, चाहे 10वीं 12वीं में, तो पठ धातु लगभग सभी को याद रहा करता था, जिसमें कि पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठाव, पठामा। अच्छा, रूप याद करते समय एक चीज़ और ध्यान में रखने की जरूरत है। जैसे कि अगर मैं क्री धातु, मतलब करना का अगर लट लकार रूप पढ़ें, तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तो दिया ही है, और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष दिया इधर। तो कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि लट लकार में, एक वचन, द्विवचन में, बहुवचन में, या फिर प्रथम पुरुष में, मध्यम पुरुष में, उत्तम पुरुष में, फला धातु का क्या रूप होगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि प्रथम पुरुष एक वचन में करोति, दूसरे द्विवचन में कुरुतः, बहुवचन में कुर्वन्ति, ये तो याद हो जाता है। फिर मध्यम पुरुष में लिखा है करोषि, और द्विवचन में लिखा है कुरुतः। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर लिखा कुरुतः और यहाँ पर मात्र कुरुथ लिखा है, तो यही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहाँ पर विसर्ग है और कहाँ पर विसर्ग नहीं है। बाकी करोमि, कुरुवः, कुर्मः, तो ये तो याद हो जाएगा। फिर जब लिट लकार की बात आती है, जिसको कि भविष्यत काल कहा जाता है, तो इसमें रूप जो है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। आप देख रहे हैं कि इसमें श्यति लगा हुआ है, करिष्यति, रूप वैसे ही चल रहा है, करिष्यतः, करिष्यन्ति, और फिर करिष्यसि, करिष्यतः, देख रहे हैं यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ है और यहाँ पर विसर्ग नहीं लगा है। तो यही ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि द्विवचन में विसर्ग है और बहुवचन में बिना विसर्ग का है। फिर उत्तम पुरुष में करिष्यामि, करिष्यावः, करिष्यामः, ठीक है। तो ये
फिर लोट लकार में आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा रूप यहाँ पर बदल रहा है, यहाँ पर हो गया करोतु। तो दिमाग में बैठा लीजिए कि जिसमें करोतु मतलब छुटाव की मात्रा से अंत होता है वो लोट लकार हो जाता है, और इसमें ताम ताम लगा है, कुरुताम कुरुवंतु, ठीक है। फिर कुरु, आप देख रहे हैं कि रूप चेंज हो गया, यहाँ पर करिष्यसि था, वहाँ पर ऊपर में करोषि था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, कुरु हो गया। फिर कुरुतम, आप देख रहे हैं कि इसमें आ की मात्रा नहीं है, ऊपर वाले में आ की मात्रा है। तो यही थोड़ा थोड़ा डिफरेंस देखने की ज़रूरत है कि कहाँ पर रूप चेंज हो रहा है, और यहाँ पर बहुवचन में लिखा है कुरुत, ठीक। तो ये ध्यान रखना है कुरुत। फिर ऊपर देखिए, यहाँ पे कुरुत में यहाँ देखिए विसर्ग है, लेकिन यहाँ पर विसर्ग नहीं है। तो यही ध्यान रखना है कि जब लोट लकार का रूप चलता है तो वहाँ पर बिना विसर्ग का बहुवचन होता है, और जब लट लकार में चलता है और द्विवचन में कुरुत होता है। तो ये कुछ बारीक चीज़ें हैं जिसको कि ध्यान दिया जा सकता है, ठीक है। फिर इसमें देखिए मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष में हो गया करवाणी, करवाव कर्मा करवाम, ठीक है, करवाव करवाम। तो इस तरीके से ये रूप चलता है। फिर लंग लकार यानी कि जो भूतकाल जो कि बीत चुका है, तो आप देखेंगे कि इसमें क्या है, अ लग गया है पहले, अकरोत अकुरुताम अकुरुवन, ठीक है। देख रहे हैं कुरुताम यहाँ पर है और यहाँ पर अकुरुताम आ गया है, मतलब लंग लकार में जो भी धातु है उसके पहले अ लग जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर अकरो अकुरतम, उसी तरीके से रूप चल रहा है जैसा कि लोट लकार में चल रहा है, अकुरत बस अ लग जा रहा है। तो ध्यान दीजिए कि लंग लकार में अ लग जाता है पहले। फिर अकरवम अकुरव अकुर्म। फिर विधिलिंग में हम देखते हैं जो चाहिए के अर्थ में प्रयुक्त होता है, देखिए लिखा है कुर्यात कुर्याताम कुर्यु, फिर कुर्या कुर्यातम कुर्यात, कुर्याम कुर्याव कुर्याम। तो इस तरीके से रूप चल रहे हैं। तो लगभग जितने भी परस्मै पदी धातु होते हैं इसी तरीके से उनका रूप चलता है। इसी तरह आप पठ धातु को पढ़ेंगे तो वो भी चलेगा, पठति पठत पठंती पठसि पठथ पठत पठामि पठाव पठाम, ठीक है। तो इसी तरीके से रूप को ध्यान में रखने की जरूरत होती है। हसति हस धातु का चलेगा तो इसी टाइप से चलेगा, ठीक है। तो लकारों के बारे में ध्यान रखिए कि कौन सा वर्तमान है, कौन सा भविष्य है, कौन सा आज्ञावाचक है, कौन सा भूतकाल है, और कौन सा चाहिए के अर्थ में। तो यहाँ पर इसी तरीके से क्री धातु का दिया हुआ है, ठीक है, देखिए सेम वैसे ही चल रहा है। फिर क्री धातु के बाद दूसरा इधर धातु दिए हैं चूर धातु, मतलब चुराने का। तो आप देख रहे हैं कि लगभग सबका रूप उसी टाइप से चल रहा है। लकार में यहाँ पर देखिए श्यति लगा हुआ है, ठीक है, लोट लकार में सेम वैसा ही सब चल रहा है। फिर लंग लकार आया तो यहाँ पर अ लग गया, लंग लकार मतलब भूतकाल। तो एक जगह नोट्स बना लीजिए और इनके डैश करके लिख लीजिए कि कौन सा लकार किसके ये जाना जाता है, ठीक है। विधिलिंग चाहिए के अर्थ में तो वैसे ही चल रहा है। फिर दा धातु के बारे में याद दिया है, ददाति दत्त ददंत ददासि दत्थ दत्थ, उसी टाइप का चल रहा है, देख रहे हैं, ध्यान देने वाली बात है। और लिट लकार में भी वही चल रहा है। फिर इसमें मूर्धन्य सा नहीं लग रहा है, बाकी दंते से इसमें लग गया है, ठीक है, और बाकी रूप वैसे ही चल रहा है। थोड़ा सा जहाँ भी बदलाव होगा उस पर ही ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पर भी लंग लकार चल रहा है तो देखिए अ लग गया है और बाकी रूप वैसे ही चल रहा है। विधिलिंग में थोड़ा सा इसमें रूप में बदलाव हो रहा है, मतलब शब्द में बदलाव हो रहा है, तो देखने की जरूरत है, लेकिन जो पैटर्न है लगभग वैसा ही है। इसी तरीके से पृक्ष धातु है, पृक्षति पृक्षित पृक्षंति, ठीक है, देख रहे हैं सेम वैसे। तो ध्यान रखना है कि आपको क्या ध्यान रखना है, काल ध्यान रखना है, फिर वचन को ध्यान में रखना है जो तीनों वचन हैं, फिर तीनों जो पुरुष हैं उनको ध्यान रखना है, ठीक है। और जहाँ भी चेंज हो रहा है, जैसे देखिए यहाँ प्रक्षति प्रक्षति हो गया लिट लकार में, और लगभग लट लकार की तरह इसमें चल रहा है रूप, ठीक है। फिर पृक्षतु पृक्षताम पृक्षंतु, उसी टाइप से चल रहा है। और लंग लकार में देखिए उसके पहले अ लग गया और रूप वैसे ही चल रहा है। विधिलिंग में चल रहा है पृक्षेत पृक्षताम पृक्षेयु। इसी तरीके से जितने भी रूप हैं उनको पहचानने के लिए मोटे तौर पर आप
इनको देख सकते हैं। ठीक, हाँ, ये लगा हुआ इस्था धातु जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा था कि जीआईसी के पाठ्यक्रम में, तो इस्था माने ठहरना, तिष्ठति, ठीक है, तो तिष्ठति, तिष्ठथ, तिष्ठन्ति, तिष्ठसि, तिष्ठथ, तिष्ठत, उसी टाइप से ये भी रूप चल रहा है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। और लिट लकार में सेम वैसे ही रूप चल रहा है, लोट लकार में भी वैसे ही चल रहा है, लंग लकार में भी वही सब है। तो बस ध्यान रखने की ज़रूरत है कि किस लकार में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है और कहाँ पर बारीक परिवर्तन है, उसी चीज़ को ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं शब्द रूप के बारे में। शब्द रूप के बारे में देखेंगे तो यूपी टीजीटी पीजीटी के पाठ्यक्रम में कुछ ऐसा निर्धारित नहीं है कि कहाँ सवाल पूछा जाएगा, वो पूरा अपने को स्वतंत्र रखा है। लेकिन जीआईसी के सिलेबस में, जिस पर कि मैंने चर्चा भी किया है, और उसमें क्लियर कर दिया गया है, जिसमें कि आत्मन से सवाल आएगा, नामन से, जगत, सरित, हरि, सर्व, इदम, ठीक है, अस्मद, युष्मद, इन शब्दों से उनका रूप पूछा जाएगा। ठीक है, अभी तक तो जो धातु के बारे में चर्चा कर रहा था मैं, तो उसमें वचन ध्यान देना था, धातु में क्या ध्यान देना था, वचन, फिर पुरुष और काल, इन तीन चीज़ों को ध्यान में रखना था। लेकिन जब शब्द रूप चलता है तो इसमें विभक्ति, इसमें विभक्ति को ध्यान में रखना पड़ता है, और फिर वचन को ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, और ये थोड़ा सा लंबा होता है, इसमें जैसे गुरु का दिया हुआ है तो प्रथमा विभक्ति, एक वचन में गुरु, द्वि वचन में गुरु और गुरुव, ठीक, गुरु, गुरु, गुरुन, तो आप देख रहे हैं कि प्रथमा विभक्ति के द्विवचन और द्वितीय विभक्ति का द्विवचन सेम है, बस चेंज हो रहा है, बहुवचन में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो गुरुन हो रहा है। इसी तरीके से तृतीया में गुरुडा, गुरुभ्याम, गुरुभी, यहाँ पर चेंज हो रहा है, गुरुवे यहाँ चेंज हो रहा है, गुरुभ्याम ये दोनों सेम है, गुरुभ्य यहाँ पर चेंज हो रहा है। फिर पंचमी में गुरु, गुरुभ्याम, अब देख रहे हैं लगातार ये तीनों समान है, तो तृतीया द्विवचन, चतुर्थी द्विवचन, पंचमी द्विवचन सेम है, लेकिन बहुवचन में चेंज हो रहा है। और ख़ासतौर से आपको ध्यान में रखना है प्रथमा बहुवचन, द्वितीय बहुवचन और तृतीय बहुवचन, इसमें बदलाव हो रहा है, और एक वचन में भी बदलाव हो रहा है, लेकिन जो द्विवचन है इसमें बहुत ज़्यादा हेरफेर नहीं होता है। फिर खष्टी में आप देख रहे हैं कि जो पंचमी में गुरु था वो खष्टी में भी गुरु है, यहाँ पर फिर गुरुओ, गुरुड़ा, फिर सप्तमी में गुरु, गुरुओ, गुरुसु, फिर संबोधन, संबोधन तो लगभग सबको याद रहता है, हे गुरु, हे गुरु, क्योंकि प्रथमा विभक्ति का ही आ जाता है संबोधन में भी। ठीक है, सबसे ज़्यादा आसान होता है राम का रूप और बालक का रूप। ठीक है, तो आप लोगों को याद भी होगा, अब मेरे बताने का मतलब था कि जो टर्निंग पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखिए। गुरु की चर्चा मैंने कर दिया, राजन का भी रूप कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो देख लेते हैं, प्रथमा एक वचन में राजा, जो राजा हम हमेशा बार बार यूज करते रहते हैं वो प्रथमा एक वचन में है, फिर अगर दो राजाओं की बात हो रही तो राजानो, ये नहीं हुआ कि राजा हो जाएगा, ऐसा नहीं है, राजान, ठीक है, फिर राजानम, राजानव, राज्ञा, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखना है। फिर राज्ञा, राजभ्याम, राज्य, फिर वैसे ही रूप चल रहा है जैसा कि गुरु का रूप पढ़ते हुए हमने देखा कि एक वचन में बदलाव हो रहा है और बहुवचन में बदलाव हो रहा है, बाकी द्विवचन में ज़्यादा बदलाव नहीं हो रहा है, तो इन मोटे मोटे चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ठीक है, अब यहाँ पर स्त्रीलिंग में रमा का रूप काफ़ी फेमस है और इसका रूप बदल जाता है थोड़ा सा। ठीक है, इसे प्रथमा विभक्ति रमा, रमे होगा, फिर रमा, तो परीक्षा में पूछ देगा कि रमा किस वचन में है, तो यहाँ पर तो एक वचन में है, लेकिन जब आप देख रहे हैं विसर्ग हो रहा है तो ये बहुवचन में हो जा रहा है, फिर रमाम, रमे, तो ज़्यादातर जो बदलाव हो रहे हैं वो एक वचन में हो रहे हैं और बहुवचन में हो रहे हैं, बाकी द्विवचन में जो है वो ज़्यादातर बदलाव नहीं होते हैं, लगभग तृतीया, चतुर्थी और पंचमी तो एक ही समान होता है, फिर षष्ठी, सप्तमी द्विवचन में सब एक समान है। ठीक है, बस चेंजिंग कहाँ हो रहा है, एक वचन में और बहुवचन में,
तो जाहिर सी बात है कि परीक्षा में ज़्यादातर एकवचन और बहुवचन के रूपों को ही पूछता है, और बस आपको द्विवचन का ध्यान में रख लेना है कि किसमें समान होता है, कहाँ चेंज होता है। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है, थोड़ा सा शब्द रूप जब पढ़ते हैं तो अकारांत, इकारांत, इन सब का भी ध्यान में रखना पड़ता है, उकारांत, ठीक है, फिर दीर्घ उकारांत, इन चीज़ों को भी ध्यान रखना पड़ता है। तो अभी हमने जो रामा का पढ़ा वो अकारांत था, अब मति, मति मतलब बुद्धि होती है, ये क्या है, इकारांत। तो इसका रूप कैसे चल रहा है, मति, मति, मतया। इसमें भी सेम वही चीज़ें हैं कि एक वचन में बदलाव हो रहा है, द्विवचन में लगभग चीज़ें वैसे ही चल रही हैं, और बहुवचन में भी जो बदलाव हो रहे हैं, अब उन बदलावों पे कहाँ कहाँ हो रहे हैं उनको आप समझ गए होंगे। ठीक है, हाँ, जैसे राम के, मैं राम के शब्द रूप के बारे में चर्चा कर रहा था, वो भी आ गया इसमें, राम रामव रामा, रामम रामव रामा। इसमें भी देख रहे हैं आप कि एक वचन में ज़्यादा बदलाव हो रहा है और बहुवचन में हो रहा है, और द्विवचन में लगभग चीज़ें वही हैं जो कि अन्य रूपों में आपको दिखाई पड़ रहे हैं। फिर हम देखते हैं अगला जो यहाँ पर है, हरि। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, PGT में इससे सवाल आते हैं। तो कैसे इसका रूप चल रहा है, हरि हरि हरेय। ठीक है, जैसे आपने देखा गुरु का देखा जाए, गुरु गुरु गुरुवः, तो ज़्यादा इसमें चेंजिंग नहीं दिख रहा है। ठीक है, जैसे हरिम, यहाँ पर क्या है, गुरुम है। तो कई बार रूप अगर आपको पता है कि परिवर्तित होता है एक वचन में और बहुवचन में, तो अपने आप थोड़ा सही भी कर लेते हैं। ठीक है, फिर इसी तरीके से पिता का है, कहाँ पर चेंज हो रहा है, पिता पितरव पितरह, पितरम पितरव पितृन। ठीक है, ऐसे ही पूरा रूप दिया गया है, इसको ध्यान में रखना है। फिर आत्मन, ये GIC के एग्जाम में भी दिया गया है, तो लगभग वही जो चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है वैसे ही इन रूपों को भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। नदी का रूप बहुत फेमस है, ये भी परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछा जाता है, नदी नद्यव नद्य। ठीक है, तो देख रहे हैं आप कैसे रूप चल रहा है, नदी। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि नदी है जहाँ पर विसर्ग नहीं, और यहाँ पर क्या है, विसर्ग है बहुवचन में, तो पूछ देगा नदी विसर्ग लगाने वाला, जो नदी जिसमें विसर्ग लगा है वो किस वचन में है या फिर किस विभक्ति में है। तो जब शब्द रूप आप पढ़ेंगे तो इसमें विभक्ति और वचन इन दोनों को ध्यान में रखना है, जबकि धातु रूप पढ़ेंगे तो आपको तीन चीज़ों को ध्यान में रखना है, काल, वचन और पुरुष। ठीक है, फिर आप देख रहे हैं सर्व, जो कि GIC PGT में लगा हुआ है, सर्व 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 सर्वे यहाँ पर होगा, फिर सर्वम सर्व सर्वान। फिर जैसे राम का रूप चल रहा है लगभग वैसे ही इसका भी रूप यहाँ पर चल रहा है, बस मात्रात्मक कुछ कुछ अंतर है। ठीक है, यहाँ पर सप्तमी में आके थोड़ा सा अंतर हो जा रहा है, यहाँ पर रामे है तो, और यहाँ पर क्या लग गया है, सर्विसमैन लग गया है, तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, फिर तत् का है, तत् माने वह, पुल्लिंग के रूप में, स तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तई तस्मय ताभ्याम ते भी। तो आप देख रहे हैं कि इसमें भी एक वचन में एक बदलाव हो रहा है और बहुवचन में हो रहा है, जबकि द्विवचन में ज़्यादातर बदलाव नहीं हो रहे हैं। तो अब आप लोगों को शब्द रूप और धातु रूप याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, जहाँ जहाँ टर्निंग पॉइंट्स हैं, जिन जिन बिंदुओं को ध्यान में रखने की ज़रूरत है उसको मैंने इंडिकेट कर दिया है, आप इसको आराम से याद कर सकते हैं और समझ कर परीक्षा में हल भी कर सकते हैं। थोड़ा सा इन इनसे संबंधित जो प्रश्न आते हैं उनको रुक कर हल करने की ज़रूरत होती है, सोच समझ कर। ठीक है, असुमद और युष्मद, युष्मद मतलब कि तू या फिर तुम जो शब्द हम यूज करते हैं उससे संबंधित है, उसके लिए उसका रूप चलता है, अस्मत मतलब मैं, ठीक है, इदम मतलब यह, यहाँ पर दिया हुआ है सर, अदस मतलब वह, तो इनका भी रूप चलता है, इनसे बहुत बार सवाल पूछा जाता है। इसमें भी आप देखेंगे कि जो एक वचन है उसी में परिवर्तन हो रहा है और बहुवचन में परिवर्तन हो रहा है, जबकि द्विवचन में ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा है। देख लेते हैं इसमें,
त्वम युवाम, जैसे त्वाम नहीं हो यहाँ पर हो रहा है, युवाम हो रहा है, फिर युयम, फिर त्वाम युवाम युष्मा, ठीक है, फिर त्वया युवाभ्याम युष्मा भी। देखिए बदलाव हो रहा है, तो ज़्यादा बदलाव आप देख रहे हैं एक वचन में हो रहा है और बहुवचन में हो रहा है, द्विवचन में उतना नहीं हो रहा है। तो इन्हीं रूपों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है, कहाँ पर कैसे चेंज हो रहे हैं चीज़ें। फिर इसी तरीके से अस्मद रूप है, अस्मद मतलब मैं, तो यहाँ पर अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, ठीक है, मया आवाभ्याम अस्मा भी। तो इसमें भी वही बात है कि एक वचन और बहुवचन को ध्यान में रखना है, बाकी द्विवचन को एक नज़र बस देखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसी तरीके से सारे रूपों को आप लोग याद कर लीजिए, और जहाँ जहाँ ध्यान देने की ज़रूरत थी उसकी तरफ मैंने संकेत कर दिया है, और ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। तो कमेंट्स कर बताइए कि आपको शब्द रूप और धातु रूप इन दोनों को अब हल करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, और कहीं भी दिक्कत होती है तो कमेंट्स ज़रूर करिए, और हम आगे उस पर वीडियो लेक्चर तैयार कर सकते हैं, या फिर कभी लाइव क्लास लेने का मौका मिलेगा तो ले लेंगे, ठीक है। और इस पर प्रैक्टिस शीट भी हम एक अलग से बनाकर अपलोड कर देंगे, उसको आप भी देख लीजिएगा। तो मुख्य रूप से आज इस लेक्चर में यही बताने की कोशिश रही है कि शब्द रूप और धातु रूप में किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है। तो धातु रूप में देखिए ध्यान रखना आपको काल, वचन और पुरुष, ठीक है। और शब्द रूप में ध्यान रखना है विभक्ति, वचन, ठीक है, और ज़्यादातर जो बदलाव हो रहे हैं वो एक वचन में और बहुवचन में, तो इन बदलावों को बस ध्यान रखना है, ठीक है। और बाकी धातु के रूप को याद करते समय काल को जरूर ध्यान में रखिए कि वर्तमान काल किसे कहते हैं, भविष्यत काल किसे कहते हैं, या फिर भूतकाल किसे कहते हैं, ठीक है, चाहिए के अर्थ में कैसे प्रयुक्त होता है, या फिर आज्ञावाचक जो रूप चलता है वो कैसे चल रहा है। तो ये जब क्लियर हो जाएगा तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो उम्मीद है कि बातें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।